हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक विद प्रियंका। सो गाइस, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो हमारी इंजरी वाली प्लेलिस्ट है उसको आगे कंटिन्यू करें, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसरेशन इंजरी के बारे में। सो गाइस, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लेसरेशन इंजरी के बारे में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। और प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, चलो देर किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना आज का टॉपिक और जान लेते हैं कि लेसरेशन इंजरी क्या होती है। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जो गाइस लेसरेशन इंजरी है, इसको हम रप्चर्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रप्चर्स। वैन अब ये जानेंगे कि लेसरेशन इंजरी होती क्या है, कब हम किसी इंजरी को लेसरेशन इंजरी बोलते हैं। जब कोई ब्लंट फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी को, तो ये क्या करता है, जनरेट कर देता है लेसरेशन इंजरी, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या फिर मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी टीयरिंग और स्प्लिटिंग हो जाती है। किसकी वजह से? या तो शियरिंग फोर्स की वजह से और या फिर क्रशिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, जब कोई ब्लंट फोर्स हमारी लार्ज एरिया बॉडी पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो उसकी वजह से लेसरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें कि हमारी जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, मसल्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, टीयरिंग हो जाती है या स्प्लिटिंग हो जाती है बाई इधर अ शियरिंग और क्रशिंग फोर्स, देन इट इज़ नोन एज लेसरेशन इंजरी। तो जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ ब्लंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी, इट कैन जनरेट लेसरेशंस विच आर टीयर्स और स्प्लिट्स इन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स, कॉज्ड बाय ईदर अ शियरिंग और क्रशिंग फोर्स। सो गाइस, जो ये लेसरेशन इंजरी है, इसको हम क्रश इंजरी भी कभी कभी बोल देते हैं, जब जो ब्लंट फोर्स है उसके रिजल्ट की वजह से सिग्निफिकेंट ब्रूशिंग या फिर लेसरेशन जो है हो जाता है किसका, डीपर टिश्यूज़ का। ठीक है, जब डीपर टिश्यूज़ का एक सिग्निफिकेंट ब्रूशिंग और लेसरेशन अगर हमें उनमें दिखाई देती है ब्लंट फोर्स की वजह से, तब हम उसको क्रश इंजरी के नाम से भी जानते हैं। और गाइज, अगर हम लेसरेशन की बात करें तो ये हमारी एक 3D टाइप की इंजरी होती है। और 3D टाइप की इंजरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रीथ और डेप्थ तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो लेसरेशन इज अ 3D टाइप इंजरी। नेक्स्ट, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो गाइस, जो लेसरेशन इंजरी है उसको हम 5 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा स्प्लिट लेसरेशन, ठीक है, सेकेंड हो गया स्ट्रेच लेसरेशन, थर्ड हो गया हमारा एवल्जन ऑल्सो नोन एज ग्राइंडिंग लेसरेशन, नेक्स्ट टीयर्स लेसरेशन एंड देन कट लेसरेशन। तो गाइज, हम पांचों के बारे में जानेंगे वन बाई वन विद देयर इमेजेस। तो सबसे पहले जानते हैं स्प्लिट लेसरेशन क्या होता है। स्प्लिट लेसरेशन, जब जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, वो सैंडविच हो जाते हैं बिटवीन अ हार्ड डीपर स्ट्रक्चर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसके थ्रू क्या है, फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और हमारा जो डीपर स्ट्रक्चर है उसके बीच में क्या आ जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, तब उस टाइप में जो इंजरी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लिट लेसरेशन, मतलब कि स्प्लिट हो जाना, स्किन का फट जाना। ठीक है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, जो फोरहेड है इस बेबी का, वो क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, फट गया है ना। तो स्प्लिट लेसरेशन, ठीक है, अकर्स व्हेन सॉफ्ट टिश्यूज आर सैंडविच्ड बिटवीन अ हार्ड अंडर यील्डिंग अनयील्डिंग डीपर स्ट्रक्चर और द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स। इसमें क्या होता है, वो एजेंट जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे जो डीपर हमारे स्ट्रक्चर है उनके बीच में अगर सॉफ्ट टिश्यू सैंडविच हो जाते हैं, तब उस टाइम पर जो इंजरी प्रोड्यूस होगी उसको हम स्प्लिट लेसरेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो स्कल लेसरेशन। ठीक है, अब इसी में गाइज एक टर्म आता है, इनसाइज लुकिंग लेसरेटेड वुंड। जो स्प्लिट लेसरेशन जो होते हैं, कभी कभी क्या है, इनसाइज इंजरी जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो इंसाइज्ड लुकिंग जो हमारे स्प्लिट लेसरेशन है वो किस कंडीशंस में बनते हैं? जब हमारी जो स्किन है क्लोजली अप्लाइड होती है किसी बोन के, ठीक है, और वहाँ पर जो सबक्यूटेनियस हमारे टिश्यू होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, और तब जब उस सरफेस पे क्या किया जाएगा, ब्लंट फोर्स को अप्लाई किया जाएगा, तो जो वुंड प्रोड्यूस होगा वो एक लीनियर स्प्लिटिंग के जैसा होगा, जो कि इंसाइज्ड वुंड की तरह हमें दिखेगा, ठीक है। कब होगा इंसाइज लुकिंग लेसरेटेड वुंड? जब हमारे जो टिश्यूज हैं वो क्या है, क्लोजली अप्लाइड है बोन के, और सबक्यूटेनियस टिश्यूज की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा वहां पर क्या है, कम है। और इस टाइप की सरफेस पर जब ब्लंट फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक लीनियर स्प्लिटिंग हो जाती है स्किन की, है ना, जो कि इंसाइज वुंड की तरह हमें दिखाई देते हैं। और इंसाइज वुंड होते क्या हैं, ये किस टाइप की इंजरी होती है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोज में जानेंगे। और अगर साइट की बात करें गाइस कि इनसाइज लुकिंग जो लेसरेटेड वुंड है वो हमें किस किस साइट पर देखने को मिलेंगे, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं स्कैल्प पर, फॉरहेड पर, आईब्रोज पर, जाइगोमा पर, या फिर लोअर जॉस पर। इसी टाइप की जो हमारी सरफेसेस होती हैं, बॉडी सरफेसेस होती हैं, वहाँ पर हमें इनसाइज लुकिंग लेसरेटेड वुंड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, कि जो स्किन है ये फॉरहेड है किसी बेबी का, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ये इंजरी है, लेसरेशन इंजरी, ये हमें एक तरह इंसाइज्ड की तरह दिखाई दे रही है, मतलब कि क्लीन कट दिखाई दे रही है, जैसे कि किसी चाकू से इसको काटा गया हो। तो इसी तरह की इंजरी को हम बोलते हैं इंसाइज लुकिंग लेसरेटेड वुंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा सेकेंड टाइप, स्ट्रेच लेसरेशन, है ना। स्ट्रेच लेसरेशन कब बनता है? जब कोई भी हैवी फोर्सफुल फ्रिक्शनल इम्पैक्ट और ब्लंट फोर्स के साथ एक्सरसाइज करता है हमारे प्रेशर विद पुल, ठीक है। जब प्रेशर लगाया जाता है पुल के साथ और एक हैवी फोर्सफुल फ्रिक्शनल इम्पैक्ट जब लगता है हमारी बॉडी पर, उस टाइम पर जो लेसरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेच लेसरेशन। मतलब कि जो हमारी स्किन है वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, है ना, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट उस स्क्रीन का क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, और साथ में प्रेशर लगाया जाता है विद पुल, तब उस कंडीशन में जो लेसरेशन प्रोड्यूस होते हैं, जो इंजरी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेच लेसरेशन। जान लेते हैं डेफिनेशन। स्ट्रेच लेसरेशन आर द रिजल्ट फ्रॉम अ हैवी फोर्सफुल फ्रिक्शनल इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट फोर्सेस एक्सरसाइजिंग लोकलाइज प्रेशर विद पुल। इट मे कॉज फ्लैपिंग ऑफ द स्किन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लैपिंग बन जाती है ना, एक फ्लैप टाइप का प्रोड्यूस हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो ओवर स्ट्रेच कर जाती है, और ओवर स्ट्रेच की वजह से एक फ्लैप प्रोड्यूस हो जाता है, और उस फ्लैप से हमें ये पता चल जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रही होगी, है ना। तो स्ट्रेच लेसरेशन में जो फ्लैप प्रोड्यूस होता है उसको देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि जो प्रेशर था वो किस डायरेक्शन में लगाया गया था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कि किस केसेस में हमें स्ट्रेच लेसरेशन देखने को मिल जाते हैं, तो रन ओवर बाय मोटर व्हीकल, है ना, मोटर व्हीकल क्या है, ऊपर से निकल जाए, उस केस में किकिंग, या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, है ना, इन केसेस में हमें स्ट्रेच लेसरेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बात करें कि ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं स्ट्रेच लेसरेशन, तो हम एक तो टेंजेंशियल इम्पैक्ट की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, ब्लंट और टेंजेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्लंट होना चाहिए और जो फोर्स है वो टेंजेंशियली क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट करना चाहिए बॉडी पर, मतलब कि ऑब्लिकली। सडन डिफॉर्मिटी ऑफ बोन अकरिंग आफ्टर फ्रैक्चर। अब अगर हमारा कोई फ्रैक्चर हुआ और उसमें अचानक से क्या हो जाए, हमारी बोन की डिफॉर्मिटी हो जाए, तो उस केस में भी स्ट्रेच लेसरेशन देखने को हमें मिल जाते हैं, है ना। या फिर ग्लेंसिंग किक बाई अ बूट, किसी बूट के द्वारा एक ग्लेंसिंग किक लगा दी जाती है, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेच लेसरेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज यह बात हो गई हमारे स्ट्रेच लेसरेशन की। गाइज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एवल्जन या फिर ग्राइंडिंग लेसरेशन के बारे में, ठीक है। एवल्जन का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा स्किन का जो पोर्शन है उस पर थोड़ा सा फोर्स लगे और वो स्किन जो है वहाँ से क्या हो जाए, परमानेंटली या पार्शली या फिर कम्प्लीटली डिटैच हो जाए स्किन, है ना, तब उसको हम बोलते हैं एवल्जन। एवल्जन मतलब कि कम्प्लीटली या पार्शली जो भी स्किन है जिस पर ब्लंट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, है ना,
तब उसको हम बोलते हैं एवल्जन या फिर ग्राइंडिंग लेसरेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन इंजरी इन विच अ पोर्शन ऑफ स्किन एंड समटाइम्स सॉफ्टर टिश्यू इज पार्शली और कम्प्लीटली टॉर्न अवे, जिसमें या तो स्किन या फिर जो हमारे सॉफ्टर टिश्यूज हैं वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, टॉर्न अवे हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में जो इंजरी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग लेसरेशन। ठीक है, और जो ये टाइप की जो इंजरी होती है गाइस वो प्रोड्यूस होती है बाय शेयरिंग फोर्स। ठीक है, जो शेयरिंग फोर्स है वो या तो ऑब्लिकली या फिर टेंजेंशियली एंगल पर हमारे क्या करे, बॉडी पर इम्पैक्ट करे और बॉडी से स्किन का जो पोर्शन है वो क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, तब उस कंडीशन में जो इंजरी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग लेसरेशन या फिर एवल्जन। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे इसकी जो स्किन का जो हिस्सा है वो क्या हो गया है, कम्प्लीटली डिटैच हो गया है ना, तो इस टाइप की जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं एवल्जन लेसरेशन। अब गाइज एवल्जन जो लेसरेशन है उसी को हम एम्प्यूटेशन इंजरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि जो हमारा एक्सट्रीमिटी और पोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से क्या हो जाता है, सीवियर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम लेसरेशन इंजरी को एम्प्यूटेशन इंजरी के नाम से जानते हैं, जब कम्प्लीटली क्या हो जाए, एक्सट्रीमिटी जो है हमारी टॉर्न अवे हो जाती है। ठीक है, अब इसी लेसरेशन इंजरी को हम डिसेपिटेशन इंजरी के नाम से भी जानते हैं, जब हमारा जो हेड है वो टोटली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर टोटली जो हमारा हेड है वो सरफेस बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है कम्प्लीटली, तब हम लेसरेशन इंजरी को बोलेंगे डिसेपिटेशन इंजरी। और जब हमारा कोई एक्सट्रीमिटी या कोई पोर्शन बॉडी का है ना एंटायरली क्या हो जाता है, सीवियर्ड हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन इंजरी। और एवल्जन या ग्राइंडिंग में क्या होता है कि जब हमारा किसी बॉडी का या फिर सॉफ्टर टिश्यू या फिर स्किन जो होती है हमारी पार्शली या कम्प्लीटली टर्न अवे हो जाती है बाय द शेयरिंग फोर्स, जब एब्लिक एंड टेंजेंशियली एंगल पर लगाया जाता है और हमारी स्किन का जो पोर्शन है वो डिटैच हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एवल्जन या ग्राइंडिंग लेसरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाते हैं हमारे टीयर्स लेसरेशन। टीयर्स मतलब कि फटना है ना, अकर्स व्हेन ब्लंट फोर्स इज अप्लाइड टू स्किन हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग फैट और मसल्स। जब हमारे बॉडी के अंदर उस जगह पर ब्लंट फोर्स को अप्लाई किया जाता है जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट क्या है, फैट और मसल्स हैं, है ना, जैसे कि थाइस, अगर थाइस पर कोई ब्लंट फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में हैवी और ब्लंट फोर्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो इंजरी प्रोड्यूस होती है उसको हम टीयर्स लेसरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कॉज क्यों होती है, बाय अ हैवी ब्लंट वेपन की वजह से, जैसे कि हमारा क्रिकेट बैट हो गया, हॉकी स्टिक हो गई या फिर लाठी, इस सब इस टाइप के ऑब्जेक्ट को जब हमारी थाइस पर या फिर ऐसे जगह पोर्शंस पर हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे जहाँ पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ क्या है, फैट और मसल्स हैं, तब उस कंडीशन में जो इंजरी प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, टीयर्स लेसरेशन होगी। और इसमें क्या होते हैं, रैग्ड और ब्रुश्ड जो होते हैं मार्जिन्स हमारे रैग्ड होता है और ब्रूसिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट टाइप ऑफ लेसरेशन की तो वो आ जाता है कट लेसरेशन। जब कोई हैवी शार्प एज का जो वेपन होता है और उसकी वजह से एक डीप और वाइड कट लग जाता है बॉडी पर, तब हम उसको बोलते हैं कट लेसरेशन। ठीक है, हैवी शार्प एजेस वेपन जो होता है, जो शार्प एजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती, एक हैवी और बोल सकते हो आप ब्लंट और शार्प के बीच का है ना, कम शार्प जो होती हैं उस टाइप के वेपन से जब कट लग जाता है बॉडी के किसी पार्ट पर या बॉडी टिश्यूज को, तब हम उसको बोलते हैं कट लेसरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, अगर कहीं पर लेसरेशन इंजरी है, ठीक है, कहीं पर कोई इंजरी है तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो कट लेसरेशन इंजरी है या इनसाइज इंजरी है या एब्रेजन इंजरी है, तो वो हम किस तरह से देखेंगे। तो अगर हम गाइस लेसरेशन इंजरी की बात करते हैं और उसके अगर कहीं पर लेसरेशन इंजरी है और उसके मार्जिन्स को हम देखें तो जो मार्जिन्स हैं वो हमें इरेगुलर दिखाई देंगे, रैग्ड दिखाई देंगे और अनइवन दिखाई देंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ब्लंट वेपन की वजह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम साइट की बात करें गाइस, तो जो लेसरेशन इंजरी है जनरली हमें दिखाई देती है ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस, उन एरियाज पर जहाँ पर बोनी एरियाज है। ठीक है, ब्रूस और लेसरेशन एब्रेजन की बात करें तो हमें जो मार्जिन्स हैं लेसरेशन इंजरी के उसके चारों तरफ हमें ब्रूस और एब्रेजन भी दिखाई देंगे।
अगर हम एजेस की बात करें तो जो एजेस हैं हमें लेसरेशन इंजरी की, वो हमें इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को जिसमें कि फोर्स को क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। अगर हम डेप्थ ऑफ वुंड की बात करें कि जो लेसरेशन इंजरी है उसके डेप्थ में हमें क्या दिखाई देगा, तो उसमें हमें एक ब्रिज दिखाई देगा इररेगुलरली टोन फिब्रस टिश्यूज का, है ना, और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स का, क्योंकि देखो ये हैवी और ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होता है ना, तो उसमें क्या होता हैवी होता है, हैवी होने की वजह से और ब्लंट होने की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और फिब्रस टिश्यूज हैं, ये कैसी हो जाती है, टोन हो जाती है इररेगुलरली, ठीक है। इररेगुलरली टोन होने की वजह से जो हेमरेज होता है, मतलब कि ब्लीडिंग जो होती है वो कैसी होती है, लेस होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्रस्ट हो जाती हैं और टोन हो जाती है इररेगुलरली, ठीक है, कटती नहीं है, क्या हो जाती है, क्रश्ड हो जाती हैं, और क्रश होने की वजह से जो हैमरेज होता है वो कैसा होता है, कम होता है, मतलब कि लेसरेशन इंजरी में जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। अगर हम हेयर बल्ब की बात करें तो वही सेम की हैवी और ब्लंट ऑब्जेक्ट है तो हेयर बल्ब भी हमारे क्रश्ड हो जाते हैं और जो डेप्थ होती है बुंड की उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। गैपिंग की बात करें तो गैपिंग भी हमें दिखाई देती है क्योंकि जो हमारी स्किन है वो उसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड उसकी क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो पुल ऑफ इलास्टिक एंड मस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं, इसकी वजह से हमें गैपिंग उसमें दिखाई देती है। अगर हम गाइज अब बात करते हैं शेप की, ठीक है, तो क्या हम शेप को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट से ये प्रोड्यूस हुई है ना, तो हम जान लेते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट से किस टाइप की लेसरेशन इंजरी की शेप हमें दिखाई देगी, ठीक है। एक लिनियर शेप बनेगी जब हाँ किस टाइप का ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि क्रॉस बार हो गया या पाइप्स, मतलब कि थिन ऑब्जेक्ट, थिन और लॉन्ग ऑब्जेक्ट जब यूज़ किया जा रहा है और उसके थ्रू इम्पैक्ट किया जा रहा है बॉडी पर, तो जो लेसरेशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, लिनियर लेसरेशन बनेगा, ठीक है। अगर फ्लैट सरफेस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, है ना, और वो साथ के साथ क्या हैवी भी है, तो उस टाइप में उस टाइम पर जो लेसरेशन प्रोड्यूस होंगे उसकी जो शेप है वो कैसी होगी, इररेगुलर होगी, रैग्ड होगी और वाई शेप्ड की होगी, ठीक है। फ्लैट सरफेस जैसे कि बैट हो गया, है ना, स्टीलेट मतलब कि स्टार शेप्ड बनेगी जब हम राउंड और ब्लंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, जैसे कि हैमर, हैमर का जो राउंड एंड होता है अगर हम उसके थ्रू इम्पैक्ट करेंगे तो स्टीलेट या फिर स्टार शेप्ड की इंजरी दिखेगी, ठीक है। क्रिसेंटिक की बात करें, ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जो कि एजेस के साथ उसकी थ्रू ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसमें कि एजेस हों, जैसे कि हैमर एक का एक साइड तो राउंड तरफ होता है और दूसरी साइड एक एज टाइप का होता है, अगर उस तरफ से हम अगर वार करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं बॉडी पर तो कैसा शेप प्रोड्यूस होगा, क्रिसेंटिक, ठीक है। सेमी सर्कुलर शेप हमें दिखाई देगा उस केस में जब हमारा जो हेड है वो स्ट्राइक करता है अगेंस्ट वॉल या फिर अदर हार्ड सरफेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन मैटर की, फॉरेन मैटर तो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं हमारे वुंड में, ठीक है, क्योंकि ब्लंट ऑब्जेक्ट और जो साथ में हैवी भी है, मान के चलो कि उस पर कुछ लगा हुआ है और उसके थ्रू कोई बॉडी पर वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो जो फॉरेन मैटर है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पर, वुंड पर, ठीक है। और अगर हम हीलिंग की बात करें तो हीलिंग के जब हीलिंग होती है लेसरेशन वुंड की तो उस टाइम पर परमानेंट स्कैर वो छोड़ जाता है, मतलब कि एक निशान रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस डेटिंग या फिर हीलिंग ऑफ लेसरेशन की, कि जब हील होगा या फिर तो या फिर हम किस तरह से लेसरेशन इंजरी को देख के बता सकते हैं कि ये इंजरी कितनी टाइम पुरानी रही होगी, है ना। तो गाइस फ्रेश, जब लेसरेशन इंजरी कैसी होगी, फ्रेश होगी, मतलब कि अभी अभी हुई है, तो उसमें हमें ब्लीडिंग दिखाई देगी और फ्रेश क्लॉट जो होगा ब्लड का वो अटैच्ड उसमें हमें दिखाई देगा, ठीक है। मार्जिन्स जो होंगे वो रेड होंगे और स्वेलोन हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर फ्रेश है कोई लेसरेशन इंजरी तो हमें उसमें ब्लीडिंग और फ्रेश क्लॉट दिखाई देगा जो कि अटैच होगा उस लेसरेशन इंजरी के साथ, जिसके साथ साथ जो मार्जिन्स हैं वो रेड होंगे और स्वेलिंग उनमें प्रेजेंट होगी। अगर हम 12 या 24 आवर के बाद लेसरेशन इंजरी की बात करें तो गाइज 12 से लेकर 24 आवर मतलब कि एक दिन के अंदर अगर हम उस इंजरी को देखें तो मार्जिन्स तो तब भी स्वेलिंग ही प्रेजेंट होगी, साथ के साथ रेड भी होंगे, लेकिन वो कवर्ड हो जाएंगे बाई अ ड्रेड ब्लड क्लॉट, ठीक है। वो मार्जिन्स जो है वो कवर हो जाएंगे ड्राइड ब्लड क्लॉट के थ्रू और लिम्फ के थ्रू, ठीक है। अगर हम 3 to 5 डेज के बाद बात करते हैं तो
तो मार्जिन जो होते हैं स्ट्रांगली एडियरेंट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि जो मार्जिन है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और कवर्ड बाई अ ड्राइड क्रस्ट, और उसमें एक ड्राइड क्रस्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर हम 6 to 7 days की बात करते हैं तो क्रस्ट या स्कैब जो होगा वो फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब कि गिर जाएगा। सॉफ्ट रेडिश टेंडर स्कार हमें वहाँ पर दिखाई देगा, रेड रेड कलर का जो व्हाइटिश सा स्कैर वहाँ पर छूट जाएगा। ठीक है, अब फ्यू वीक्स के बाद अगर हम बात करें तो स्कार कैसा होगा, व्हाइटिश हो जाएगा, फर्म हो जाएगा और पेनलेस हो जाएगा, मतलब कि उसमें पेन नहीं रहेगा और पूरी तरीके से वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेसरेशन इंजरी को देख के कि मार्जिन जो है एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और उस पर ड्राइड ब्लड क्रस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इंजरी जो है वो 3 to 5 days ओल्ड है ना। तो इसी तरीके से हम इंजरी को देख के ये पता लगा सकते हैं कि इंजरी कितनी पुरानी है, तो जो कि हमें मेडिको लीगल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम लेसरेशन की, कि गाइज मान के चलो एक ऐसा लेसरेशन है जो कि उस किसी पर्सन के मरने से डेथ से पहले के है ना, मतलब कि एंटीमार्टम है। दूसरी बात करते हैं कि कोई पर्सन अभी मरा और जस्ट उसके लेसरेशन इंजरी किसी ने जानबूझकर प्रोड्यूस कर दी, तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो इंजरी प्रोड्यूस हुई है वो बिफोर डेथ हुई है या फिर आफ्टर डेथ हुई है, मतलब कि वो एंटीमार्टम लेसरेशन है या फिर पोस्टमार्टम लेसरेशन है ना। तो गाइस फीचर्स, अगर हम एंटीमार्टम फीचर्स की बात करते हैं लेसरेशन की, तो उसमें हमें ब्लीडिंग दिखाई देगी, ब्लड स्टेनिंग भी दिखाई देगी मार्जिन्स पर, है ना, ब्रूशिंग भी होगी, इवर्जन्स भी होंगे और गैपिंग भी हमें दिखाई देंगी, क्योंकि ये सारे फीचर्स जो है एक लेसरेशन इंजरी के हैं, है ना। तो अगर लेसरेशन इंजरी प्रोड्यूस हो रही है और बिफोर डेथ हो रही है, तो बिफोर डेथ क्या होता है कि हमारी सारी वाइटल रिएक्शंस चलती रहती हैं, ब्लड भी फ्लो होता रहता है बॉडी में, तो ब्लीडिंग, ब्रूशिंग, ब्लड स्टेनिंग मार्जिन्स की या फिर इवर्जन और गैपिंग, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। अगर हम यहीं पर पोस्टमार्टम लेसरेशन के बात करते हैं, तो उसमें ये सारे फीचर्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ठीक है, तो इन फीचर्स के बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन के बॉडी पर इंजरी दिखाई दे रही है वो एंटीमार्टम है या फिर पोस्टमार्टम है। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस की, कि जो लेसरेशन इंजरी है उसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो गाइज मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये लेसरेशन इंजरी है ना, तो अगर हम टाइप ऑफ लेसरेशन को देख ले, तो टाइप ऑफ लेसरेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि कॉज ऑफ इंजरी क्या होगा एंड टाइप ऑफ ब्लंट वेपन क्या होगा। जैसे कि हमने तुम्हें अभी बताया था कि जो हैमर का जो राउंड एंड होता है, अगर उसके थ्रू क्या हो रहा है, बॉडी पर इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो उसके थ्रू जो इंजरी बनेगी वो कैसी होगी, स्टीलेट शेप की होगी, है ना, स्टार शेप्ड की होगी। तो अगर बॉडी पर किसी की स्टार शेप्ड लेसरेशन प्रोड्यूस है, ठीक है, तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि कोई ब्लंट वेपन किस टाइप का होगा, जैसे कि कोई हैमर होगा या फिर कोई अदर ब्लंट राउंड ऑब्जेक्ट रहा होगा, और कॉज ऑफ इंजरी क्या रही होगी। ठीक है, सेम अगर हम बात करें नेक्स्ट कि नेचर ऑफ इंजरी क्या होता है, तो लेसरेशन इंजरी को हम देख के ये बता सकते हैं कि वो सिंपल नेचर की है या फिर ग्रीवियस नेचर की है। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो लेसरेशन इंजरी होती है और उसकी जब हीलिंग होती है तो उसके द्वारा जो है परमानेंट स्कैर रह जाता है। ठीक है, अगर सिंपल सिंपल कब आएगी, जब बॉडी के हमारे किसी पार्ट पर लेसरेशन इंजरी है, ठीक है, और वो छोटा सा स्किन वहाँ से फट गया और वहाँ पर हमारा स्कैर रह गया है, तब वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारी सिंपल में आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई परमानेंट हमारा क्या है, फेस पर डिस्फिग्रेशन हो जाता है या फिर फेस पर लेसरेशन इंजरी बन जाती है, तो उसकी जब हीलिंग होगी, और हीलिंग होगी तो क्या होगी, वहाँ पर एक परमानेंट स्कार हमारे फेस पर रह जाएगा, और परमानेंट फेस पर स्कार रह जाएगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा, हमारे फेस का डिस्फिग्रेशन हो जाएगा, है ना, डिसफिग्रेशन हो जाएगा, और डिसफिग्रेशन होने की वजह से वो हमारी ग्रेवियस इंजरी के अंडर कैटेगराइज हो जाएगी। तो नेचर ऑफ इंजरी भी हम बता सकते हैं कि सिंपल है या फिर ग्रेवियस नेचर की है। अब लेसरेशन इंजरी को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि वो सुसाइडल है,
होमिसाइडल है या एक्सीडेंटल है ना। तो गाइज अगर हम एक्सीडेंटल लेसरेशन इंजरी की बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमनली हमें बॉडी के किसी भी पार्ट पर दिखाई दे जाती है जो कि बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, सर हो गया, है ना। ये सारे क्या है, हमारे एक्सपोज्ड पार्ट है बॉडी के। तो एक्सीडेंटल इंजरीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देती है और एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पर हमें देखने को मिल जाती है। होमिसाइडल की अगर हम बात करें तो कभी कभी नोटिस हो जाती है, मे बी सीन, हमें होमिसाइडल लेसरेशन इंजरी में भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर होगी होमिसाइडल तो वो कहाँ पर होगी, वो नॉन एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स पर दिखाई देगी, स्पेशली इन असॉल्ट केसेस। स्पेशली किस टाइप के केसेस है, असॉल्ट केसेस में, जिसमें कि सर पे, है ना, सर पे हमें लेसरेशन इंजरी दिखाई देगी। तो वो क्या हो गया, एक नॉन एक्सेसिबल बॉडी पार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो इंजरी होगी वो हमारे हेयर्स के थ्रू छुप जाएगी। और अगर हम सुसाइडल इंजरी की बात करें, सुसाइडल लेसरेशंस की बात करें, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा रेयरली हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल इंजरी होती है। तो और अपने हाथ से इतना पेन प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें तो गाइस अभी हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रेच लेसरेशन होता है उसमें क्या हो जाता है, फ्लैप प्रोड्यूस हो जाता है, और उस फ्लैप की वजह से हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाता है, ठीक है। अगर हम फॉरेन मैटर की बात करें, और तो फॉरेन मैटर भी हमने अभी आपको बताया था कि वो वुंड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर फॉरेन मैटर वुंड में है तो उससे हमें एक क्लू मिल जाता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट से उसको कॉज किया होगा। एग्जांपल जैसे कि पेंट मटेरियल, है ना, व्हीकल का जो पेंट मटेरियल होता है वो वुंड में ट्रांसफ़र हो सकता है ना, और वुंड उस पर्सन की बॉडी पार्ट्स के ऊपर से होके निकला हो, है ना, और उसकी वजह से लेसरेशन उसकी थाइस पर प्रोड्यूस हो गया हो मान लो। तो उस कंडीशन में हमें एक पेंट और ट्रांसफ़र हो गया है उस कंडीशन में, तो हमें क्लू मिल जाता है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये क्या होगा होगा, इस टाइप की इंजरी प्रोड्यूस हुई होगी। सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी लेसरेशन इंजरी को अच्छे से समझ सके। एंड अगर और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।